बोकारो के सिटी इलाके में इन दिनों चोर घरों की रेकी कर उसमें चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो चुकी है जहां चोर घर के बाउंड्री में घुसकर घर की रेकी करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर बीएस सिटी पुलिस सक्रिय हो गई है और सीसीटीवी में कैद हुए चोरों की पहचान के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिया है। मामला सेक्टर 1B स्थित क्वार्टर नंबर 466 का है, जहां चोर रात के 2 बजे के करीब दीवार फांदकर आवास में घुसे। मकान मालिक मनोज सिंह ने कहा कि चोर चोरी के नियत से आए थे। चार आदमी हमारे कैंपस में घुस गए और घुसकर दोनों तीनों दरवाजा पर न जाने क्या कर रहे थे भगवान जाने, जो कि जिसका सारा रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में मौजूद है। उसका मैं सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग प्रभारी थाना प्रभारी को मैं दे दिया हूँ। थाना प्रभारी महोदय अपने कुछ इंस्पेक्टर साहब को भेजे थे और उन्होंने मेरा सीसीटीवी चेक किया तो उन्होंने सही पाया। अब आगे की जो भी कार्रवाई करेंगे वो उनको करना है, लेकिन लगता है चोरी की नीयत से वो लोग आए थे। पुलिस का कहना है कि मकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दिए हैं और पुलिस इसकी तलाश में जुट चुकी है। पुलिस ने कहा कि इन इलाकों में गश्त भी बढ़ाई जा रही है ताकि चोरी जैसी घटनाएं न हो। एक फोन आया था हमारे पास कि क्वार्टर संख्या इतना इतना में जो है सीसीटीवी फुटेज में कुछ चोर नजर आए हैं जो कि रेकी कर रहे हैं। तो उसके साथ ही जो है हमने उस क्वार्टर में जाकर खुद अपने तरीके से फुटेज को देखा है, खंगाला है और हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं ये कौन लोग हैं। हम लोग ने सभी तरह अपने स्तर से गश्ती बढ़ा दिए हैं। सिविल ड्रेस में भी हमारे टाइगर मोबाइल घूम रहे हैं और अपने स्तर से हमारी भी टीम लगी हुई है कि इस तरह फुटेज में जो भी चोर रेकी कर रहे हैं वो एक्टिव है। अभी इस चीज़ की तो हम समझ रहे हैं कि चोर एक्टिव है, इस क्षेत्र में हमेशा से ही चोर एक्टिव रहे हैं। हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि जो भी चोर अभी जेल से बाहर हैं उन पर हम लोग की विशेष निगरानी है और हम लोग की लगातार कोशिश जारी है कि हम भी लगे रहें इसमें कि जो भी चोर हैं वो किस तरह का क्राइम ना कर सके। रात के आपका 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास चूँकि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसी से चूँकि फुटेज में नज़र आ रहे हैं तो उस समय हमारी गश्ती और ज़्यादा हमने बढ़ा के रखे हैं। कहना है कि अगर कोई घर छोड़ के जा रहे हैं, हमारी जो मोबाइल नंबर है, सरकारी नंबर है, उसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम गाँव जा रहे हैं या 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी चाहे वो टाइगर मोबाइल हो या हमारी गश्ती पार्टी हो, वो उस एरिया में 2-3 बार जाके एक रेड मारे।